गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वैक्यूम ब्रेक की। जो वैक्यूम ब्रेक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वैक्यूम का क्या मतलब होता है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो इसके बारे में देखते हैं कि वैक्यूम ब्रेक हमारे जो कैसे काम करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक होते हैं हमारे पास, वैक्यूम ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, ड्रम ब्रेक, इलेक्ट्रिकल ब्रेक। तो उसमें से ये एक हमारा जो पार्ट है वो वैक्यूम ब्रेक के ऊपर है। तो इसकी ये डायग्राम है जो वैक्यूम ब्रेक की है, देखिए इसको, ये डायग्राम है इसमें। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लगे हुए हैं। तो ये है ब्रेक पैडल, जहाँ पे हमारी गाड़ी के आगे जहाँ हम ब्रेक दबाते हैं वो ये वाला ब्रेक पैडल होता है। यहाँ पे लगा है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर बताते हैं कि आगे क्या परफॉर्म करना है जब हम ब्रेक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ब्रेक फ्लूड, हम गाड़ी में जो ब्रेक फ्लूड डालते हैं वो ये वाली पोजीशन होती है, यहाँ पे ब्रेक फ्लूड डलता है। यहाँ पे पिस्टन है, ये है पिस्टन वन, ये है पिस्टन सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं, ये पिस्टन वन है, ये पिस्टन है दूसरा पिस्टन, ठीक है। एक यहाँ पे इसके नीचे पिस्टन लगा हुआ है, स्मॉल पिस्टन। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट है, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर और हमारी जो वैक्यूम की एयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये यहाँ पे जा रही है, ये सर्वो सिलेंडर। सर्वो सिलेंडर क्या करता है, ये एक सिलेंडर यानी कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है ये, यानी कि एक तरफ से हम इसको पुश करेंगे, दूसरी तरफ इसके स्प्रिंग लगा हुआ है, ये सर्वो सिलेंडर है। ये आगे टू ब्रेक, इसके बाद यहाँ पे जो ब्रेक है, यहाँ ब्रेक का क्या मतलब, जो ये वाली है आगे कैम से जुड़ी होती है, यहाँ वाली कैम से आगे ब्रेक शू से, ब्रेक शू के बाद ये आगे ब्रेक ड्रम से जुड़ी होती है, जहाँ पे ब्रेक लगते हैं, हमारी गाड़ी का जो टायर है वो रुक जाता है। इसकी मदद से यानी कि लास्ट वाला होता है इस पूरे प्रोसेस का, ये लास्ट वाला पार्ट ये वाला है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे देखिए ये नॉन रिटर्न वॉल्व है। यहाँ पे बताऊंगा कि ये क्यों लगाई जाती है, ये वैक्यूम, यहाँ पे ये वैक्यूम रिजर्वायर, यहाँ पे वैक्यूम को यानी कि रिजर्व करने के लिए ये वैक्यूम रिजर्वायर यहाँ पे लगाया जाता है। अब देखिए जो मेन मेन पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो एटमोसफेयरिक एयर होती है उसका क्या हाई प्रेशर होता है, उसका एटमोसफेयरिक एयर का, एज कम्पेयर टू जो वैक्यूम की एयर है, यानी कि वैक्यूम का, यानी कि यहाँ एटमोसफेयर का हाई प्रेशर है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। और ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम। ये एक रैपिड सिस्टम होता है, यानी कि रैपिड का क्या मतलब है, जैसे हमने ब्रेक लगाई साथ साथ में हमारे जो टायर है वो स्टॉप हो गए, यानी कि सस्पेंडेड वैक्यूम सिस्टम रैपिड सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें हम अब शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करना है आपने। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक पैडल को यहाँ पे जैसे आपने प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या है, ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर क्या करेगा, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये आगे मूव करेगा, यहाँ पे क्या है ब्रेक फ्लूड है, ये पूरा यहाँ पे भरा हुआ है ब्रेक ब्रेक फ्लूड। तो ये मास्टर सिलेंडर क्या करेगा, आगे इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगा, जैसे हम ब्रेक को पैडल को पुश करेंगे ये आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे जितना भी फ्लूड होगा वो सारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ब्रेक फ्लूड है जो हमारा वो ऊपर चला जाएगा। जो ये वाला यहाँ पे जो पिस्टन है ये क्या करेगा, मूव करके यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए जो ये वाला पिस्टन है ये मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आने के बाद जो ये वाला है, अभी देखिए यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से यानी कि जब गाड़ी स्टेशनरी होती है हमारी, यानी कि हमने ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं किया, तो ये इस पोजीशन में होता है, यानी कि यहाँ से जो एयर है वो पास, यहाँ से पास हो सकती है, ये वाली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि एयर यहाँ से पास हो सकती है। मगर जैसे हमने ब्रेक लगाई तो ये वाला सिलेंडर, ये वाला पिस्टन वाला इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर इसके साथ स्टक हो जाएगा, इसको बंद कर देगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट होगी वो एटमोसफेयर में चली जाएगी, तो ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे एक इससे कनेक्टेड है, जो इसका यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक पाइप है जो इससे कनेक्टेड है इस वाले सिलेंडर से, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ऐसे इससे सिलेंडर ये आगे लगेंगे। अब देखिए इसकी वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले ये कहाँ पे वर्क करे, कैसे वर्क करेगा, जो ये वैक्यूम रिजर्वायर है, यहाँ पे वैक्यूम है और ये नॉन रिटर्न फ्लो वॉल्व लगाई हुई है इसमें। ये सब क्या है, ये फिल होते हैं, वैक्यूम रिजर्वायर ये पूरा यहाँ पे फिल होता है। ये किसकी, ये कैसे फिल होता है, जब गाड़ी के इंजन में सक्शन होती है, सक्शन, तो सक्शन में क्या है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट, दो तरह से वैक्यूम क्रिएट होती है, एक तो सक्शन से, दूसरा यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा देते हैं जिससे कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए इस पूरे सिस्टम में। तो दो तरह से होती है, एक सक्शन से, एक वैक्यूम पंप से। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सक्शन या फिर वैक्यूम पंप। तो इसमें क्या मान लेते हैं कि इसमें पूरे में वैक्यूम है, वो सक्शन से या फिर वैक्यूम पंप से, इसमें जो वैक्यूम वैक्यूम है वो फिल हो चुकी है। इस पूरे सिस्टम में क्या वैक्यूम है, देखिए इसमें वैक्यूम है पूरे में, यहाँ पे इसमें वैक्यूम है, इसमें वैक्यूम है, यहाँ पे इसमें, इस पूरे सिस्टम में क्या है वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है पूरी, इधर वैक्यूम है, ये भी पूरा क्या है वैक्यूम का फिल है।
अगर हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे पूरा ये वैक्यूम का यहाँ पे फिल हो चुका है, ये वाला चैम्बर पूरा वैक्यूम का फिल हो चुका है, अगर अब गाड़ी यानी कि अब ब्रेक नहीं दबाया तो ये वाला भी चैम्बर फुल वैक्यूम का हो चुका है, तो वैक्यूम कहाँ पे, इसमें वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, इस वाले में वैक्यूम है, इसमें वैक्यूम है, इस पाइप में वैक्यूम है, और ये नॉन रिटर्न फ्लो वॉल्व है कि वैक्यूम यहाँ से बाहर ना जा सके, इसके अंदर ही रहे, तो इस पोजीशन में अब हमारी वैक्यूम है। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने ब्रेक पैडल को दबाया, ये यहाँ पे गया, फ्लूड गया ऊपर की तरफ, ये इसके साथ स्टक हो गया, यानी कि इसने इसको बंद कर दिया कि और वैक्यूम इसके अंदर नहीं है अब हो सकती, इसके अंदर और वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकती, और ये वाला जो है ये इस क्लोज पोजीशन में है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक को दबाया, फ्लूड को ऊपर गया, ये वाला जो सेकंड वाला पिस्टन है वो ऊपर की तरफ गया, तो फर्स्ट वाला पिस्टन भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ ये जैसे यहाँ पे ये पिस्टन इस पोजीशन में पहुंचा, तो ये एटमोस्फेरिक एयर है जो यहाँ से इसके अंदर आ सकती है, यानी कि अब इसको पैसेज मिल गया एटमोस्फेरिक एयर को आने का। अब ये पिस्टन ने इसको बंद किया हुआ है, मगर जैसे ही पिस्टन ऊपर चला जाएगा जब हम ब्रेक दबाने की वजह से, तो एटमोस्फेरिक एयर है वो यहाँ से इसके अंदर आ सकती है, यानी कि इस चैम्बर में क्या हो गया, एटमोस्फेरिक हमारी इस चैम्बर में आ गई। इस चैम्बर में आने के बाद ये तो नीचे बंद हो गया, ये इसमें तो नीचे तो जा नहीं सकती वो, क्योंकि इस पिस्टन ने इसको बंद कर दिया था, वो एटमोस्फेरिक एयर कहाँ पर जाएगी, वो पूरी की पूरी एयर यहाँ पे जाएगी इस पाइप से, इसके अंदर इस पिस्टन को पुश करेगी पीछे। अब यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस काम करता है, मैंने आपको पहले बताया कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम के, तो इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में तो सारा वैक्यूम है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको लगाएगा यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये इसको पुश कर देगा पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ पुश करेगा, तो ये जो आगे यहाँ पे ये लगा हुआ है ये किससे कनेक्टेड आगे, हमारा कैम से, कैम किससे कनेक्टेड है, ब्रेक शू से, और ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के आगे टायर लगा हुआ है, उसको ये बंद कर देगी, और यहाँ पे जो एयर यहाँ पे जो वैक्यूम था वो यहाँ से वापस इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे एटमोसफेयरिक अंदर आती है, एटमोसफेयरिक एयर का हाई प्रेशर है जो वैक्यूम प्रेशर को पुश करती है, और यहाँ पे ब्रेक ऐसे लग जाते हैं, तो ये था पूरा प्रोसेस कि वैक्यूम ब्रेक कैसे काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू।